Assalamualaikum and welcome to Radio Sab Ka Saath and you're listening to Weekly Dose. Weekly Dose of Books. This is me, Anam Tariq. I come up with new book and new riddle every week across the world wherever you are. If you wish to contact us or join us, you can comment on our Facebook page and share your thoughts with us. That is facebook.com/sabkasaath. एंड facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट. आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. डेट इज www.naisubah.org naisubah.org. सबसे पहले हम अपने शो में रिडल के बारे में बात करते हैं. प्रीवियस शो में हमारी रिडल थी जिसका आंसर कमेंट में नहीं मिला. नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देती हूँ. इसका आंसर था पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वो रिडल क्या थी. तो वो रिडल थी व्हाट स्टार्ट्स विद ए पी एंड एंड्स विद एन ई एंड हैज ए मिलियन लेटर्स इन इट, व्हाट इज इट? इसका आंसर है पोस्ट ऑफिस. सो वी हैव अ रिडल ऑफ द शो टुडे एज वेल. दैट इज व्हाट कैन रन बट नेवर वॉक्स, हैज ए माउथ but never talks, has a head but never weeps, and has a bed but never sleeps. What is it? आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अपने शो में बुक रिव्यूज देने का मेरा पर्पस ये है कि जो टाइम नहीं निकाल पाते बुक्स पढ़ने का, तो मैं आप सबसे समरी शेयर करती हूँ. इससे हमें बुक्स की नॉलेज मिल जाती है. So don't ever miss my show. क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स लाइन अप की हुई हैं, जिनमें हैं नंबर 1 द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, नंबर 2 स्टेज फाइट, नंबर 3 द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर 4 द पावर ऑफ नाउ, नंबर 5 गुड वाइब्स गुड लाइफ. इंटरेस्टिंग, नाम से ही इंटरेस्टिंग लग रही है ना. तो आप मेरा शो मिस मत कीजिएगा क्योंकि आगे और बहुत कुछ आने वाला है. हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस शो में बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसे हम इस शो में कंटिन्यू करेंगे. लेट्स क्विकली रिव्यू व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट. द बुक इज रिटन फ्रॉम कियोसाकी's पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ रिच डैड वेंट अबाउट मेकिंग मनी एंड द मिस्टेक्स दैट Poor Dad made. फर्स्ट चैप्टर में हमें फियर और डिजायर ये दो इमोशंस के बारे में पता चला जिसे रैट रेस कहते हैं. अगर हम इस रैट रेस से बचना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी चाहिए ये बताते हैं हमें रॉबर्ट कियोसाकी अपने नेक्स्ट चैप्टर में Why Teach Financial Literacy. The second chapter of Rich Dad Poor Dad explains the difference between an asset and a liability. Chapter 2 drives to the point that it's not about how much money you make, but about how much money you keep. जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से अमीर बनने का सीक्रेट पूछा, उन्होंने कहा कि अमीर बनने का बस एक ही सीक्रेट है. अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें ये जानना होगा कि एक एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है. एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घर खरीदा और उसको रेंट पे लगा दिया तो ये आपका हो गया एसेट, जिससे इनकम प्रोड्यूस हो रही है. लायबिलिटी, अगर आपने कोई घर खरीदा और उसमें खुद रहने लग गए, उस घर की मेंटेनेंस, बिल्स, ये सब कुछ लायबिलिटी है जो कि एक्सपेंस हो रहा है, ना कि इनकम जनरेट हो रही है. जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं. जॉब एसेट नहीं है, ऑथर कहते हैं, जिसमें आपको खुद काम ना करना पड़े. आपका एसेट इनकम को जनरेट करे. एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं एक पुअर पर्सन, उसका कैश फ्लो किस तरह से चलता है. उसकी इनकम आती है, उसके एक्सपेंसेस में सारी इनकम चली जाती है, और लायबिलिटी और एसेट जीरो रह जाते हैं. एक मिडिल क्लास, उसका कैश फ्लो कैसे चलता है? उसकी इनकम आती है, उसके एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज में सारे पैसे चले जाते हैं. कार मेंटेनेंस, हाउस मेंटेनेंस और जो भी लग्जरीज उन्होंने ली होती हैं उनकी मेंटेनेंस और उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो होती है लायबिलिटीज. तो सारी इनकम खत्म हो जाती है और एसेट का कॉलम जीरो। और जो रिच होते हैं उनका जो कैश फ्लो होता है वो कुछ इस तरह से चलता है, एसेट में से पैसे जाते हैं डायरेक्ट उसके इनकम में, तो एसेट अपनी जगह वही रहता है और सारे एक्सपेंडिचर्स और लाइबिलिटीज इजीली मैनेज हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू जापानीज फिलोसफी की दुनिया में 3 पावर्स हैं, पावर ऑफ वेपन्स, पावर ऑफ जूल्स यानी कि पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ मिरर यानी कि सेल्फ नॉलेज, जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुअर डैड कहते थे कि कॉर्पोरेट में घुसो और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते जाओ और प्रमोशन होती जाएगी और पैसा आता जाएगा। रिच डैड कहते थे क्यों ना हम इस सीढ़ी को ही खरीद लें। Why rise on the ladder when you can on the ladder? All right, तो आप सुन रहे हैं रेडियो सब का साथ पे वीकली डोज ऑफ बुक्स विद आरजे अनम तारिक। अगर आपने अभी तक इस शो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैंने आपसे एक रिडल पूछी हुई है जो कि है What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps and has a bed but never sleeps। रॉबर्ट कहते हैं कि बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का वो होता है जब मार्केट क्रैश करती है और बेस्ट टाइम सेलिंग का वो होता है जब मार्केट राइज करती है। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप में कॉन्फिडेंस हो, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस, आप में करेज भी हो कुछ करने का। लोग हारने से इतना डरते हैं कि कभी जीतते ही नहीं। दे आर सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग दैट दे नेवर विन। फर्दर कियोसाकी कहते हैं कि हमें काम सीखने के लिए करना चाहिए, ना कि पैसे कमाने के लिए। एक बार एक रिपोर्टर रॉबर्ट कियोसाकी का इंटरव्यू लेती हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद अच्छा लिखती हूँ लेकिन मेरे आर्टिकल्स फेमस नहीं होते। रॉबर्ट कियोसाकी उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये तो बहुत ही आपने अच्छे लिखे हैं, वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं अगर फेमस होना चाहती हो तो एक कोर्स करो जो कि सेल्स पर्सन का है। तो उस रिपोर्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, मेरे पास है मास्टर्स की डिग्री, आप कहते हैं कि मैं सेल्स पर्सन का कोर्स करूं? तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी एक बुक दिखाते हैं, उस पे लिखा होता है बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उन्होंने कहा मैं अच्छा लिखता नहीं हूँ, तुम मुझसे ज्यादा अच्छा लिखती हो, लेकिन मैं जो लिखता हूँ मुझे वो अच्छी तरह से बेचना आता है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनको अपना काम बेचना नहीं आता। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर वो आप में है तो कभी आप रिच नहीं हो सकते। फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट एंड एरोगेंस। फियर आपको हमने बता दिया, फेल होने का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सिनिसिज्म, नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव ही हमेशा सोचते हैं कि नहीं ये कर लिया तो नुकसान होगा, वो कर लिया तो नुकसान होगा। लेजीनेस में इन्होंने एक ट्विस्ट लिया कि कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। टू अवॉइड इम्पोर्टेंट थिंग्स इज कॉमन फॉर्म ऑफ लेजीनेस। बैड हैबिट क्या है कि खुद को लास्ट में पे करना, सबसे पहले अपने लिए पैसे रखने चाहिए अपने एसेट्स बनाने के लिए। एरोगेंस, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, आई एम परफेक्ट। तो जो समझते हैं कि उनको सब पता है, सब आता है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गलती पे हैं। तो इसलिए हमेशा सीखते रहो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी इस बुक की समरी। इसी तरह आगे भी और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम अपने शोज़ में लेकर आती रहूँगी। अगर आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा शो सुनते रहो। कीप कनेक्टेड, कीप लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट शो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।